छोटी अशुद्धि हो जाती है। और ये आपसे नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुषों से भी ऐसी गलतियां हुई हैं, भागवत जी में प्रमाण है। तो बड़ा कठिन है ज्ञान मार्ग, और योग मार्ग भी बड़ा कठिन है। और जो कर्म मार्ग है बड़ा कठिन है। कभी ऊंचे शिखर पे पहुंच के बिल्कुल अंत में जहां सिद्धि होने वाली है, लेकिन हां इन तीनों मार्गों से ज्ञान कर्म और योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया है, लेकिन कठिन है। लेकिन इनका जो फल देकर ये साधन मर जाता है, जैसे आपने एक अनुष्ठान किया कि मेरा फलाना कार्य सिद्ध हो जाए, किसी को पुत्र हो जाए, उसके लिए उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब यज्ञ करने के साथ पुत्र हुआ, पुत्र होने के साथ ही जो उसने परिश्रम किया, जो उसने यज्ञ किया, उसका फल मिल गया, अब वो नष्ट हो गया। जैसे आपने किसी से अपने कोई कार्य कराया, किसी चाकर को लिया, सफेदी कराई घर में, अब सफेदी के बाद उसको 500 रुपए दे दिए, अब वो अगले दिन फिर आ जाए कि साहब हमने आपके यहां सफेदी की थी, अब आप हमें पैसे दीजिए। तो जब आप पैसे पहले दिन दे चुके हैं तो आप दोबारा तो उसे पैसे देंगे। तो जैसे ही आपने अनुष्ठान का फल प्राप्त कर लिया, अब उस अनुष्ठान पे आपका कोई अधिकार नहीं है। संबंध लेके नौकर से रिश्ता खत्म हो गया। अनुष्ठान आपने किया, योग किया, ईश्वर को प्राप्त किया, योग भी नष्ट हो गया, फिर उसका पुनः फल नहीं है। आप चाहो कि बार बार ईश्वर को ना फिर से शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति जो चौथा मार्ग है, उसमें कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ती है। जितना आप भगवान की भक्ति में जाएंगे, वो आगे आगे बढ़ती जाएगी। भक्ति साधना है, फिर भाव भक्ति है, प्रेरणा भक्ति है, स्नेह भक्ति है, फिर मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, महाभाव भक्ति, बैकुंठ तक भी भक्ति आपके साथ जाती है, और वहां जाके भी और वृद्धि होती है। कभी नष्ट नहीं होता भक्ति का फल। अमृतस्य रूपाचा, नारद भक्ति सूत्र में इसे अमृत रूपा कहा है, इसके नष्ट होने की संभावना नहीं है। योग ज्ञान नष्ट हो सकता है, लेकिन ये भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। ऐसी भक्ति प्राप्त करने के बाद फिर भक्त करे क्या? मान लीजिए आप भक्त हो गए पक्के, और भगवान में आपका खूब मनने लगने लगा, अब इसके बाद सिद्धो भवति, अमृतो भक्ति, तृप्तो भवति। जैसे ही भक्त सिद्ध होता है तो तृप्त भी हो जाता है, फिर उसमें कोई इच्छा, कोई गांठ, कोई सूत्र बंधा हुआ नहीं रह जाता, तृप्ति भाव आ जाता है। भगवान काग भुसुंडी से प्रसन्न हुए, कहने लगे, काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अंडमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। उन्होंने कहा कोई मुझसे बर मांगो, मैं तुम्हें कोई बर देना चाहता हूं। काग भुसुंडी मुस्कुराने लगे, कोई बर ले लो मुझसे, कोई साधन ले लो, कोई सुविधा ले लो, आपके लिए घर बना दूं, आपका कोई नाम यश कीर्ति का वरदान दे दूं। काग भुसुंडी हंसने लगे, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को लगा ये छोटा है, कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। बोले अंडमादिक सिद्धि दे दूं आपको, जो हनुमान जी के पास है, छोटा रूप रख लिया, बड़ा रूप रख लिया, बहुत बड़ा रख लिया, हवा में चले गए और फिर नीचे आ गए, वो अंडमादिक सिद्धियां दे दूं, आपके लिए सुविधा रहेगी। काग भुसुंडी मुस्कुरा रहे, बोले उससे भी ऊंचा कुछ दे दूं, अपर निधि और भी ऊंची चीजें हैं, कुछ बोलो। मोक्ष सकल सुख खान, मोक्ष दे दूं,
जितने भी इस सृष्टि में सुख हैं वो सब दे दूं। भगवान ने उनसे कहा, संत हृदय नवनीत समाना, उसे कुछ नहीं चाहिए। भक्त की पहली शर्त है कि वो मांगेगा कुछ नहीं, कभी नहीं। तृप्तो भवति, एक ही चीज मांगेगा, कृष्ण। कृष्ण के अलावा कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं। मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम मुझे मत देखना। तुमने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम मुझे मत चाहना। तुमने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं तुमसे मांगू तो मांगू, तुम न दे देना मुझे। तुमने अगर दिया मुझे तो प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये भक्त की प्रारंभिक इच्छा है। वो तो स्वयं भी भोजन इसलिए करता है कि नारायण कहीं मेरे लिए चिंतित ना हो उठे। वो भगवान की पूजा भी इसलिए करता है कि भगवान को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, मेरा नियम पूरा हो, ये भाव नहीं। उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कृष्ण के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान शिव ने भी मांगा, बार बार बर मांगहूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। कि बार बार विनय करके एक ही बार मांग रहा हूं कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि एक बार भक्ति हाथ लग गई तो फिर बकाया चीज आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो तो लुढ़कती पटकती आपके आगे पीछे घूमती रहेंगी, क्योंकि सूत्र पुराना है, जिसके पीछे आप भागते हैं वो दूर भागता है, और जिससे आप भागते हैं वो आपके पीछे भागता है। एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ वन से गुजर रहे थे। संत ज्ञानेश्वर योग मार्गी हैं और संत एकनाथ भक्ति मार्गी हैं। तो जंगल में जब बहुत दूर निकल गए तो दोनों का कंठ सूखने लगा, बड़ी प्यास लगने लगी। ऐसा भाव आया कि हम कुछ कहीं से जल मिल जाए थोड़ा सा, पर वहां जंगल में दूर दूर तक जल नहीं था। बहुत खोजा नहीं मिला, बहुत खोजा। फिर वहां ईश्वर कृपा से एक छोटी सी कुइया उन्हें नजर आई। उसमें जल तो था पर जल बहुत नीचे था, बहुत नीचे था। तो ज्ञानेश्वर तो योग मार्गी हैं, संत ज्ञानेश्वर ने अपने योग के द्वारा अपनी प्राणवायु को नियंत्रित किया, कुंडलिनी को जागृत किया और अपने आप के शरीर को हल्का रख करके शरीर को बहुत हल्का कर दिया। वायु में शरीर उठ गया और वो कुइया में नीचे गए और जल पी के बाहर आ गए। अब एक नाथ है भक्ति मार्गी, वो उस कुइया के बाहर खड़े हैं। अब एक ज्ञानेश्वर बाहर आए कि देखो, आप कहते थे ना कि योग मार्गी और भक्ति मार्गी ऐसे ऐसे होते हैं, देखो मेरा योग मार्ग काम आया, मैं तो पानी पी आया।